हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। आज है रामदेवरा पैदल यात्रा का तीसरा दिन और आज 2 दिन हम चल चुके हैं। आज हम तीसरे दिन रेस्ट कर रहे हैं। हमारा क्या है, एक्चुअल में रात में चलना होता है और दिन में रेस्ट करना होता है, तो आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की दिन भर की जो बढ़िया नींद पूरी हुई नहीं, अभी शाम तक नींद लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी हम सो रहे थे और हमारे भाई आ गए, बोले भाई साहब मिलना है। तो ये हमारे भाई आए हैं जोधपुर से, करण भाई, और उनके साथ क्या नाम है दादा, प्रकाश प्रकाश भाई। प्रकाश भाई आ गए, बोले भाई साहब यार साफा पहनाएंगे आप। अरे मैं क्या नींद में कैसे साफा पहनाऊंगी। तो मैं हम उठे, चाय वाय पी, अभी थोड़ा भाई साहब से बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। वैसे भाई साहब आप मतलब भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैं आया कुर्सी से, कुर्सी और से। वैसे आपका स्पेशल बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है। और आप कब निकले सुबह जोधपुर से? मैं निकला लगभग 10 बजे, 10 बजे। तो आपको नहीं पता था मैं सो रहा हूँ? पता पता था, था फिर भी, फिर भी उठा मतलब लेंगे, भरोसा था आप पे। अरे क्या बात है, मतलब कुल मिला के मेरी नींद खराब करके मजा आया आपको। चलो खैर, भाई आए हैं बड़े दूर से, तो गाइज थोड़ी देर बाद साफा पहन के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए लव यू। चड्डे में स्वागत हो रहा है गाइस हमारा। अरे वाह, माना हो सब। कहीं बड़ा अलग ही लग रहा है। तो आज हम सुमसा से मिले, और वैसे क्या बहुत अच्छी फील हो रहा है। हाँ, कहीं बताओ सुमसा था ना कि क्या नाम, सब नहीं लिया, कितनी खुशी हुई मुझे। ये हमारे भाई है जोधपुर से आए। मैं क्या दुबई हुआ होता तो भाई बोले यार मिलना है मिलना, मिल नहीं पाए थे। तो आज हम रामदेव पैदल जा रहे थे तो भाई आए मिलने रास्ते में। और वैसे हम जोधपुर जाते हैं तब एक बार तो सुमसा से मिले बिना कभी नहीं जाते हैं। क्या बात है, भाई आते हमेशा साफा लेके आते हैं। और भाई ने आप तक मेरे को 20-30 साफे दे दिए, मेरे घर पे पड़े हैं जो शादी में काम आने वाले। तो मिलते हैं गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू, तब तक के लिए नमस्कार, लव यू। रामदेवरा पैदल यात्रा का आज है तीसरा दिन और शाम के 5 बज चुके हैं। अभी हम लोग नींद लेके धाप चुके हैं और अभी हम लोग नहाएंगे धोएंगे, और आज हम तिवरी में हैं। तिवरी से निकलेंगे और यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है गेवड़ा। गेवड़ा तक आई थिंक आज रात को हम पैदल जाएंगे और फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे, अगले दिन गेवड़ा से निकलेंगे। तो ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा अगले 2-4 दिन। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप व्लॉग को अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक व्लॉग आज रात को 10 बजे मैं फिर डालूंगा, रोज़ के कोशिश करूंगा एक दो व्लॉग रोज़ डालूं। देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबारी।